नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। निजी स्कूल में आयोजित दीपावली उत्सव सप्ताह शनिवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साज सजावट को लेकर आयोजित प्रतियोगिता के तहत विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं की सजावट की और विभिन्न प्रकार की रंगोलियां भी बनाई। इस अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले कक्षाओं के प्रभारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ और ग्रामीण उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीना की अध्यक्षता में शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में इंटर स्टेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीकानेर संभाग के जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संभागीय आयुक्त ने पड़ोसी राज्यों के जिलों में भी धारा 144 लगाने, वारंटियों को जल्द गिरफ्तार करने, नाका लगाने, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी रोकने समेत असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के भिवानी में धारा 144 लगाई जा चुकी है, उसी तरह अन्य पड़ोसी जिलों में भी धारा 144 लगाने की कार्रवाई करे। वारंटियों की जो लिस्ट राजस्थान ने हरियाणा और पंजाब पुलिस को दी है, उस पर कार्रवाई करे। सीमावर्ती जिलों में आपसी तालमेल से मुख्य रास्तों के साथ साथ चोर रास्तों पर भी नाके लगाएं और नाकों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाए। गश्त 24 घंटे हो ताकि कोई असामाजिक तत्व एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना जा सके। मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाएं ताकि राजस्थान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जा सके। विधानसभा चुनाव 2018 में स्वीप कार्यक्रम के तहत महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी नोखा के तत्वावधान कार्यालय में परियोजना के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुक्रवार को मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महिला और किशोरी बालिकाओं ने भाग लिया। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी मेहंदी से मतदान संबंधी संदेश को उकेरा। मेहंदी प्रतियोगिता में ममता लखारा प्रथम, नथी खान द्वितीय, खुशबू तृतीय स्थान पर रहे। इन तीनों प्रतिभागियों को बाल विकास परियोजना अधिकारी सुभाष विश्नोई ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। राजकीय विद्यालय हिम्मतसर में शुक्रवार को एसयूबीडब्ल्यू शिविर के चौथे दिन माधव दल के शिवार्थियों ने जोगनिया बाला स्थित कालका मंदिर में श्रमदान किया। शिविर प्रभारी रमेश सिंघारी और दल प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि छात्रों ने विद्यालय में स्थित लाहौटी सभागार और विद्यालय मैदान की भी सफाई की। द्वितीय सत्र में गजानंद सारस्वत ने छात्रों को बैंकिंग कार्य के बारे में बताया। बीकानेर में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर बेहोश भी हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया। नोखा हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वार्ड 10 निवासी गुमाना राम वाल्मीकि ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। शहर में देर रात पुलिस गश्त के दौरान शराब माफिया द्वारा एक कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे पुलिस जवान राकेश कुमार घायल हो गया। वहीं भागने की कोशिश करते शराब माफिया के लोगों ने इस दौरान चेतक को भी टक्कर मार दी, जिससे उनका एक साथी भी घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए।
बकरीद पर बकरों की बलि रोकने के लिए एक जनहित याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस संगीत लोढ़ा और दिनेश मेहता की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार, कलेक्टर और नगर निगम जोधपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को कहा कि पशुओं की बलि किसी भी अवसर या त्यौहार पर नहीं हो सकती। बकरीद पर जो बकरों की बलि होती है वह धर्म का विषय नहीं हो सकता, ये पर्यावरण का विषय है, इसलिए बकरों की जान की सुरक्षा करना आवश्यक है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शनिवार को पीएचईडी परिसर बाप में जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की गई। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जेके सुधार ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए संपूर्ण परिसर की साफ सफाई की गई है। इस दौरान परिसर में एकत्रित कचरे और प्लास्टिक का पूर्ण रूप से निस्तारण किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अपील की गई कि वे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता नीरज सिंह राजपूत, सुरेश पुरोहित, खेताराम माली, घेवर चंद माली आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह भाटी ने तिवरी का दौरा कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान भाटी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए और इस बार प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। भाटी ने सभी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। इस दौरान कार्यक्रम में कन्हैयालाल सोनी, नूर राठौर, जब्बार बेलिम, नूर चौहान, यूसुफ बेलिम सहित अनेक हकीम कुम्हार संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहरोड में यूनिक स्कूल द्वारा आज चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्लोगन लिखे तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए कस्बे के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ओम यादव ने विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़। नमस्कार।